हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मेन स्क्वाड्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। अगर आपका क्रिएटिन का स्टैक खत्म हो गया है और आपको नया क्रिएटिन बाय करना है तो कौन सा बाय करना चाहिए। आजकल मार्केट में दो तरह के क्रिएटिन मिल रहे हैं, फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड। फ्लेवर्ड क्रिएटिन आजकल ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं और ज़्यादा ट्रेंड उसका आपको देखने को मिल रहा है। और मेरे पास भी क्वेश्चन आते हैं कि मैं फ्लेवर्ड क्रिएटिन बाय करना चाहता हूँ, कोई सजेस्ट कर दो ब्रांड। मेरे पास तो दो क्रिएटिन है इस समय, देखिए अनफ्लेवर्ड भी है और फ्लेवर्ड क्रिएटिन भी है। ये है एज इट इज़ का अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन, 100 ग्राम्स का पाउच है। ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है और मैं हमेशा से यही यूज़ करता आया हूँ, बट इस बार मैंने खरीदा था एज इट इज़ का ही एटम क्रिएटिन। ये फ्लेवर्ड क्रिएटिन है, 100 ग्राम्स का बॉक्स ये भी है और ये है कीवी फ्यूजन फ्लेवर के अंदर। आपको अनफ्लेवर्ड बाय करना चाहिए या फिर फ्लेवर्ड क्रिएटिन बाय करना चाहिए, इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं आपको मिक्सिबिलिटी भी दिखाऊंगा दोनों प्रोडक्ट्स की और टेस्ट में दोनों कैसे हैं ये भी बताऊंगा, और मेन डिफरेंसेस दोनों प्रोडक्ट के क्या रहने वाले हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। एक बात मैं आपको इस वीडियो को शुरू होने से पहले बता देता हूँ कि दोनों प्रोडक्ट्स एज इट इज़ के हैं, बट एज इट इज़ ने ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं करी है। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने खुद अपने पैसे से परचेज करे हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ भी बाइस्ड चीज़ें नहीं बोलने वाला। ये बिल्कुल रियल रिव्यू रहेगा, अनबाइस्ड रिव्यू रहेगा और मेरा टेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स को तभी मैं ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने पैसों का सही डिसीजन ले पाओ कि कौन सा सप्लीमेंट आपको बाय करना है आगे चल के। मैं एज इट इज़ हमेशा बाय करता आया हूँ प्रोटीन पाउडर के अंदर भी और कुछ छोटी मोटी अलग सप्लीमेंट जो मैं लेता हूँ उसके अंदर भी, तो मैं तो हमेशा एज इट इज़ बाय करता आया हूँ। आपकी मर्जी है, आप ये वाला बाय कर सकते हो या फिर कोई दूसरे अच्छे ब्रांड्स भी हैं उनसे बाय कर सकते हो, तो मेरा कोई ऑब्लिगेशन आप लोगों पे नहीं रहेगा। मैं आपको जस्ट डिफरेंस बता रहा हूँ कि एक अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन कैसा रहेगा और एक फ्लेवर्ड क्रिएटिन कैसा रहेगा। 2000 years later. सो गाइस, सबसे पहला, सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा क्लीशे डिफरेंस तो यही है कि जिसको भी फ्लेवर्ड क्रिएटिन पसंद है वो फ्लेवर्ड बाय कर ले, जिसको अनफ्लेवर्ड पसंद है वो अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन बाय कर ले। बहुत ही ज़्यादा क्लीशे है आई नो, बट अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन सस्ता भी आता है, तो ये भी एक डिफरेंस है। अगर किसी के पास पैसे कम है तो वो अनफ्लेवर्ड बाय करेगा, और किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं बट उसे टेस्ट भी अच्छा चाहिए तो वो फ्लेवर्ड क्रिएटिन बाय करेगा। सेम फंडा आपका वे प्रोटीन में भी लगता है, अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन सस्ता आ जाता है, इस वजह से मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो अनफ्लेवर्ड ही बाय करते आए हैं, बट जिसके पास एक बार पैसा आ जाता है वो फ्लेवर्ड क्रिएटिन ट्राई करता है, फिर उससे कभी वापस अनफ्लेवर्ड के पास नहीं जा पाता बिकॉज वो इतना टेस्टी होता है। तो फ्लेवर की ही बात है, अगर आपको फ्लेवर पसंद है अपने क्रिएटिन के अंदर भी तो क्रिएटिन भी फ्लेवर्ड ले लो, और नहीं पसंद आप क्रिएटिन को ऐसे ही पानी में डाल के घोल के पीते हो या फिर वे प्रोटीन के अंदर ऐड करके पीते हो तो आप अनफ्लेवर्ड चलाते आए हो, तो अनफ्लेवर्ड ही चलाते रहो, ठीक है, समझ गया। दूसरा और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला डिफरेंस जो आपको इन दोनों क्रिएटिन के बीच में मिलेगा वो है क्रिएटिन कंटेंट, किस बॉक्स के अंदर ज्यादा आपको मिलेगा। देखिए, अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन जो है उसके पीछे आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में पढ़ोगे तो सिर्फ आपको मेंशन मिलेगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, मींस इसके स्कूप के अंदर 100% आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिन ही मिलेगा। बट जब आप अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन उठाओगे और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपको पढ़ा हुआ मिलेगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, देन आपको एसिडिटी रेगुलेटर पड़ा हुआ दिखेगा, सुक्रोलोज पड़ा हुआ दिखेगा जो कि एक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल शुगर ही है और 200 टाइम्स ज़्यादा शुगरी होता है शुगर से, तो आपको और क्या मिलेगा, एडेड फ्लेवर्स, जो भी फ्लेवर आप लोगे उसका फ्लेवर भी पड़ा हुआ मिलेगा, तो ये पूरा 100% प्योर क्रिएटिन नहीं है। नो गॉड प्लीज नो नो। जब आप इसका पर स्कूप लोगे, जिस जैसे कि इसका पर जो स्कूप है एक लेवल स्कूप 3.1 ग्राम्स का है, तो हो सकता है इसके अंदर 2.9 या फिर 3 ग्राम्स क्रिएटिन रहे, देन 0.1 ग्राम इसके अंदर सुक्रालोज या फिर एडेड फ्लेवर्स पड़े हो सकते हैं, तो ये 100% क्रिएटिन नहीं है, बट 97% क्रिएटिन इसके अंदर आपको मिलेगा। इसका ट्रस्टिफाइड ने लैब टेस्ट रिपोर्ट भी कराया था, इसके अंदर जैसे लिखा गया है कि 3.1 ग्राम का स्कूप है, इन्होंने जब लैब टेस्ट रिपोर्ट निकाली ब्लाइंड टेस्टिंग की तो वहाँ पे आया 3 ग्राम्स क्रिएटिन इसके अंदर फाउंड हुआ था, जिसका मतलब है 0.1 ग्राम या फिर 0.2 ग्राम जैसा भी थोड़ा बढ़ जाता है वो क्रिएटिन उसके अंदर नहीं पाया गया। तो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्रिएटिन के साथ साथ आपको एडिशनल चीज़ें भी मिलेंगी और बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी के अंदर मिलेंगी, तो हो सकता है आपको इससे फ़र्क पड़े या फिर ना पड़े, बट मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो गाइस, पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया फ्लेवर और अनफ्लेवर का, सेकंड डिफरेंस बता दिया क्रिएटिन कंटेंट का, कौन से बॉक्स के अंदर आपको कितना क्रिएटिन कंटेंट मिलेगा। तीसरा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ स्कूप का। देखिए, इन दोनों क्रिएटिन के अंदर स्कूप साइज आपको डिफरेंट मिलेगा, बट जैसा रिकमेंडेड है कि आपको 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए हर दिन, तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये जो क्रिएटिन अनफ्लेवर्ड वाला है इसके अंदर लिखा हुआ पीछे सर्विंग साइज
2.5 ग्राम्स, इसके अंदर लिखा हुआ है 2500 mg हाफ टेबल स्पून, और नंबर ऑफ सर्विंग्स लिखी हुई है 40 सर्विंग। बहुत ज़्यादा सर्विंग होती है 100 ग्राम के बॉक्स के अंदर, बट सर्विंग जो साइज इसका करा गया है वो लिखा गया है 2500 mg, जो कि बनता है 2.5 mg, और रिकमेंडेड होता है 5 mg, तो ये उसका आधा है, और सर्विंग्स इसी वजह से इन्होंने 40 सर्विंग ले दी है। तो अगर आप 5 ग्राम इसके अंदर से निकालोगे क्रिएटिन हर रोज़, तो ये सिर्फ आपके 20 दिन चलेगा, जिसका मतलब है नंबर ऑफ सर्विंग्स हो जाएंगे 20, आधी। तो इसके अंदर 40 सर्विंग क्यों लिखी गई है, तो वो मुझे समझ नहीं आया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सेकंड, इस वाले बॉक्स के अंदर फ्लेवर क्रिएटिन के अंदर सर्विंग साइज लिखा गया है 3.1 ग्राम्स, ठीक है, और इसके अंदर सर्विंग दी गई है 32 सर्विंग्स, बट इसको भी 100 ग्राम का बॉक्स है, 5-5 ग्राम निकालोगे तो ये भी 20 दिन चलेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट एज इट इज के आते हैं, बट सर्विंग साइज दोनों की अलग अलग क्यों दे रखी है, इसमें 2.5 दे रखी है, इसमें 3.1 दे रखी है। और जो इसका स्कूप है, वो लोग मुझे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि स्कूप साइज है क्या, हम एक स्कूप जब पानी के अंदर डालेंगे तो हम कितना क्रिएटिन डाल रहे हैं पानी के अंदर और अपनी बॉडी के अंदर। मैं आपको साइज भी दिखा देता हूँ दोनों स्कूप के। अनफ्लेवर्ड वाला आपको थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा होगा, लाइक वो चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है, और ये फ्लेवर्ड वाले क्रिएटिन का स्कूप आपका डेप्थ के अंदर ज़्यादा है, बट मैंने अभी तक मेजर करा नहीं है, तो मैं आपको एस्टिमेट बताऊँ तो 3 ग्राम्स का स्कूप है ये, और आपको अगर 5 ग्राम क्रिएटिन चाहिए तो आपको 2 बार इसमें से क्रिएटिन निकालना पड़ेगा। सेकेंड टाइम आप थोड़ा आधा निकाल लीजिएगा, तब आपका 5 ग्राम क्रिएटिन बन जाएगा। सो इन दोनों क्रिएटिन के अंदर सर्विंग स्कूप का भी थोड़ा लोचा है, तो वो आप देख लीजिएगा, ये भी इसका एक डिफरेंस बनता है। फोर्थ डिफरेंस के अंदर मैं आपको इन दोनों क्रिएटिन का मिक्सिबिलिटी टेस्ट भी दे देता हूँ। तो इस वाले जो राइट हैंड वाले ग्लास के अंदर हम डालते हैं क्रिएटिन अनफ्लेवर्ड वाला, सो मैं आपको सर्विंग साइज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका जो वाइट कलर का स्कूप आता है, और ये मैं एक लेवल स्कूप डाल देता हूँ, देखिए इसको हम डालेंगे पानी के अंदर, ये हमने डाल दिया, ये लगभग 2 या 3 ग्राम का मैंने डाला है। और दूसरा है ये क्रिएटिन फ्लेवर्ड वर्जन, इसको हम डालेंगे लेफ्ट वाले बॉक्स के अंदर। इसको आप खोल के देख लीजिए अंदर से, दोनों वाइट कलर के ही हैं, ऐसा नहीं है कीवी फ्लेवर है तो थोड़ा ग्रीनिश दे रखा है, दोनों देखिए वाइट कलर के ही क्रिएटिन है, और इसकी स्मेल कुछ डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्मेल है, कोई फ्लेवर वाली स्मेल नहीं आ रही। इसको हम डालेंगे इस वाले पानी के अंदर। सो 15 सेकंड के बाद हम देख रहे हैं कि क्रिएटिन जॉन फ्लेवर्ड वाला है, ये देखो बिल्कुल बॉटम में जाके सारे पार्टिकल्स बैठ गए हैं, और पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है, सी दिस, तो इसकी मिक्सिबिलिटी अच्छी है। सेकंड, दूसरा ये वाला आप क्रिएटिन देख रहे हो, इसके भी सारे पार्टिकल बॉटम में जाके बैठ गए हैं, पानी ऊपर से बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको, तो दोनों ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, क्रिएटिन एक्चुअली ऐसे ही मिक्स होता है। सो गाइस, मिक्सिबिलिटी के अंदर तो दोनों क्रिएटिन पास हो जाते हैं। अब करते हैं इन्हें टेस्ट। सो पहला ये वाला जो ग्लास है, इसके पीछे मैंने रखा हुआ है अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन, तो इसको टेस्ट करता हूँ। पहले स्टर कर लेना है आपको, क्योंकि पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ गए हैं। ये बिल्कुल बेस है, लाइक इसका कोई फ्लेवर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है पानी ही पी रहे हो, तो ये तो बिल्कुल टेस्टलेस है। अब आते हैं क्रिएटिन फ्लेवर्ड वाले पे। अब ये है कीवी फ्लेवर, ठीक है, और मैं इसे बहुत बार पी चुका हूँ, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए एक बार पी लेता हूँ। जिंदगी हो तो ऐसी हो जिंदा। देखिए, अगर आप फ्लेवर्ड क्रिएटिन लेने जा रहे हो तो आपको लगेगा कि जब मैं कीवी फ्लेवर लूंगा तो कीवी जैसा ही स्मेल करेगा, कीवी जैसा ही टेस्ट आएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिंथेटिक फ्लेवर्स होते हैं और ये बिल्कुल भी कीवी से रिजेंबलेंस रखते हैं नहीं है। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, इसकी वीडियो जब मैंने करी थी, तो ये कीवी फ्लेवर तो है बट इसके अंदर कीवी जैसी कोई भी टेस्ट है ही नहीं। ये बस मेरे को एक रिफ्रेशिंग और एक कूल टेस्ट दे रहा है जीभ के ऊपर, बट कीवी जैसा कुछ भी रिजेंबलेंस इसकी है नहीं। स्ट्रॉबेरी में भी आता है, कॉफ़ी में भी आता है, सबकी यही दिक्कत है, बस आपको एक अलग टेस्ट लगेगा कि हाँ आप कुछ ग्लूकॉन्डी जैसा पी रहे हो, कुछ रिफ्रेशिंग पी रहे हो, कुछ कूल आपको जीभ के ऊपर फील होगा, बट फिर भी इसके अंदर फ्लेवर जो मैंशन है वैसा फ्लेवर का टेस्ट नहीं आने वाला। बट फिर भी हाँ, अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन से तो ये बेहतर लगता है इसे पीना। सो गाइज, आई होप आप अपना डिसीजन बना पा रहे हो कि आपको एक अनफ्लेवर्ड बाय करना है या फिर एक फ्लेवर्ड क्रिएटिन बाय करना है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे, मैं हमेशा से एक अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन खाता आया हूँ, बट इस बार मैंने कुछ नया टेस्ट करने के लिए एक फ्लेवर्ड क्रिएटिन बाय किया, जो कि मुझे हाँ काफ़ी हद तक अच्छा लगा। अगर मैं सेपरेटली एक क्रिएटिन को कंज्यूम करूँगा पानी के साथ ही, तो मैं एक फ्लेवर्ड क्रिएटिन पीना ज़्यादा पसंद करूँगा, बट अगर मैं वे प्रोटीन के अंदर डाल के क्रिएटिन पीता हूँ तो मेरे को एक अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन ही ज़्यादा बेहतर लगता है, कॉस्ट एफिशिएंट भी लगता है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई।
चाहिए हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स की बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं, आपके 200-300 रुपए के अंदर आ जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी बॉडी के अंदर, तो आपको एज अ स्पोर्ट सप्लीमेंट क्रिएटिन तो बाय करना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपके कोई और सजेशन है किसी और सप्लीमेंट के बारे में, आपको कुछ और रिव्यूज़ देखने हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी उसके बारे में भी लिखिए, ताकि मेरा एक मोटिवेशन बना रहे। और इस वीडियो को लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।